रोहिणी किचन यमी फूड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मेरे किचन में बनने वाला है होली स्पेशल गुजिया। चलिए गुजिया की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने मावा लिया है, सूजी ली हूँ, ड्राई फ्रूट ली हूँ, चीनी, घी और इलायची पाउडर। कढ़ाई गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है घी। घी गर्म होते ही मैंने एक कटोरी सूजी डाला है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी जैसे ही फ्राई हो जाए मैं उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दे रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे सूजी और ड्राई फ्रूट को। आप अपने पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए। एक तरफ सूजी को ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। अब मैंने मावा लिया है कढ़ाई में, मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। गुजिया तो ऐसी रेसिपी हर फेस्टिवल हुआ या होली में तो स्पेशली बनता ही और बहुत ही टेस्टी लगता है मावा वाला गुजिया अगर आप बनाएं तो। चलिए ये मावा अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है, इसे मैं फ्लेम को अभी ऑफ़ कर दी हूँ। ऑफ़ करके गरम में ही कढ़ाई गरम में ही इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और ठंडा भी हो रहा है। अब इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी और जो हम लोग ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर, मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए। अच्छे से चला लेंगे इसे। अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। एक कटोरी चीनी लिए हूँ मैं और मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीनी पाउडर नहीं ली हूँ मैंने, चीनी लिया है। अब मैं 300 ग्राम मैदा ली हूँ जिसे मैं छान रही हूँ और मैदा को छानना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। रेसिपी को इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस अच्छे से मैदे को मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें मेल्टेड घी डाल रही हूँ। घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं इसमें अच्छे से मोयन देके इसे मैं हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल सख्ती से नहीं गूँथना है मैदा को, जितना हो सके हल्के हाथों से इसे अच्छे से आप इसे गूँथिए। बस हल्के हाथों से मैंने गूँथ लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ रही हूँ। देखिए बिल्कुल सख्ती से नहीं गूँथना है, हल्के हाथों से जितना हो सके उससे अच्छा इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब एकदम सख्ती से गूँथेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मैदा को अच्छे से गूँथ लिया है। अच्छे से गूंथने के बाद मैं इसे एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया है मैदे को। एक घंटे के बाद मैं इसे बेल रही हूँ। देखिए मैंने लोई काटा है और मैं इसे सांचे में बनाऊंगी आज। इसे गोल गोल मैंने बेल लिया है, अब इसे मैं सांचे में डाल रही हूँ। और बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बनता है गुजिया वैसे मैं मावा इसमें डाल के इसे चिपका के मैं इसे सांचे से, देखिए कितने सुंदर सांचा से बहुत ही सुंदर बनता है। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, पर मैं सांचे से बना रही हूँ। सभी गुजिया को मैं ऐसे ही भर लूँगी। बस थोड़ा भरने का तरीका आराम से भरिएगा और बीच में ना आए, नहीं तो कई बार होता है कि तेल में खुल जाता है गुजिया। तो इसे ध्यान से आप इसे अच्छे से इसे सब चिपकाइएगा ताकि ये तेल में खुले ना, क्योंकि तब पूरा तेल ख़राब हो जाता है इसी में। सारे गुजिया को मैं अच्छे से देखिए बेल के मैं रख ली हूँ। अब इसे मैं तलूँगी। मैंने तेल गरम किया है। तेल गरम होने के बाद मैंने फ्लेम को बंद करके थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर को कम कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें गुजिया डाला। कोई भी मैदे का आइटम बनाए तो तेल के टेम्परेचर को पहले कम, गर्म होने के बाद तेल को थोड़ा सा नॉर्मल कर ले उसके बाद ही डाले, तब इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। नहीं तो गरम तेल में आप डालेंगे मैदा हमेशा फटता है और ऊपर से उसका पपड़ी छोड़ने लगता है। इसलिए मैदे को टेम्परेचर कम करके ही डालिए। लो टू मीडियम फ्लेम करके मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं निकाल दी हूँ, दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। मैं ये चाशनी वाला गुजिया बना रही हूँ। मेरे पास चाशनी रखा हुआ था, एक तार की चाशनी, उसमें मैं गुजिया को डालूँगी। आप
एक कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी डाल के आप चाशनी बना सकते हैं। बनाने के बाद उसमें आप इलायची पाउडर डाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही आपका गुजिया बन जाए तो आप चाशनी में उसे डाल के निकाल दीजिएगा। मेरे पास चाशनी रखा हुआ था तो मैं उसी चाशनी में से मैं भी डिप कर दूंगी। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है गुजिया, उसे मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसे चाशनी में डिप कर रही हूँ। देखिए एक तरह की चाशनी है मेरे पास, उसमें मैं डिप कर रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, मेज़रमेंट इसी हिसाब से रख के बनाइए, गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और होली आ रहा है तो ऑब्वियसली बनता ही है सबके यहाँ, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए सारे गुजिया को मैं चाशनी से निकाल लूँगी ऐसे, और ठंडा चाशनी में डालना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गरम गुजिया या गरम चाशनी को इसे नहीं डालें, बिल्कुल ही पिघलने लगेगा, नरम हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए रेसिपी को इसी मेज़रमेंट से आप बनाइएगा। आगे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।